टाटा पंच का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आप लोग की देख पा रहे हो टाटा पंच का टॉप मॉडल। अभी अपने वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे। आप लोग पहले इसका ऑल साइड से शॉट्स देख लो, सभी साइड से कैसा लग रहा है कार। उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू अच्छे से डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, अगर अच्छा लगे, ये मेरे तरफ से थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आपको मैंने 360 डिग्री लुक टाटा पंच कार का दिया है। तो चलिए अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। टाटा पंच जो लॉन्च हो चुका है, बुकिंग ओपन है, बट प्राइस रिवील नहीं हुआ है। तो प्राइस भी मुझे जहाँ तक पता है, इसका प्राइस आपका एक शोरूम पड़ेगा 5.5 से लेके 8.5 तक। तो आप लोग टॉप मॉडल देख रहे हो, जैसे कि टॉप मॉडल आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका DRL लाइट का पोजीशन था, और ये हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप है, और ये आपका फॉग लाइट। ये आपका टाटा का डिजाइन और टाटा पंच लिखा हुआ आ रहा है। ये लुक बहुत ही मुझे इन्हेंस किया इस कार ने। SUV का लुक पूरा दे रहा है, माइक्रो SUV है ऐसे, लेकिन पूरा SUV का लुक दे रहा है। और ये प्रोजेक्टर लाइट दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, हेलोजन नॉर्मल है, फॉग लाइट नॉर्मल दिया हुआ है। और जैसे आप टोर्नेडो ब्लू कलर देख पा रहे हो, इसका इसके साथ आपका कलर मैचिंग किया गया। पिलर ब्लैक आएगा, और पूरा बॉडी और ये पिलर ब्लैक आएगा, और ये बैक का डोर का पोजीशन है। चलिए आगे बताते हैं आपको। बैक डोर खुल नहीं रहा, हाँ खुल गया बैक डोर। ये उसका पोजीशन है जैसे अल्ट्रोज में है। और बैक लाइट बताते हैं, बैक लाइट का ये आपका रिवर्स पार्किंग का है, और ये आपका पूरा टी शेप में इसका आ गया है टाटा का। जो टाटा ने इसको बहुत अच्छे से वहाँ पे मतलब बनाने का कोशिश किया है। आप लोग देख पा रहे हो पीछे से टाटा पंच पंच लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ मॉडल नाम नहीं आएगा, और कैमरा भी है यहाँ पे इस मॉडल में टाटा लोगो के ठीक नीचे। और ये आपका वाइपर्स, और ये आपका लोकल फॉर वोकल, मतलब टाटा इज इंडियन ब्रांड, राइट। पंच का लोगो आप लोग देखे, और ये आपका बैक सेंसर जो मैंडेटरी कर दिया गया है बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक। और ये नीचे स्किड प्लेट लगा हुआ है SUV का, और ये 190 का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। आगे चलते हैं अपने, और इसका व्हील साइज देखते हैं। व्हील साइज इसका 195/60 16 इंच का व्हील साइज इसमें आता है, और इसके नीचे का मॉडल में 15 इंच का व्हील साइज आता है। ये अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है। तो अपने आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। और आगे का टायर भी देख लीजिए आप, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन सेम है, अपोलो का टायर ही है इसमें। तो फिर अपने आगे अपने चलते हैं और आपको दिखाते हैं से टाटा ने और क्या क्या इसमें क्या क्या और इसमें दिया है। और ये बैक साइड से, लेफ्ट साइड से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही इनहेंस और बहुत ही प्यारा कार लग रहा है। और ये रूफ रेल दिया है जो टॉप मॉडल में आ रहा है, बेस मॉडल में नहीं आएगा। और ये आपका रूफ रेल्स डुअल टोन कलर में दिया हुआ है, ये माउंट लाइट दिया हुआ गया है। और राइट साइड से ये लुक आप देख लीजिए कार का, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कार का लुक। और आपको चलिए इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वाइट कलर के साथ किया गया है इसको। और जैसे देख पा रहे 90 डिग्री खुल जाता है ये आपका डोर, पूरा 90 डिग्री खुल जाएगा। किसी को भी बैठने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये आपका पावर विंडो, 4 पावर विंडो दिया, और ये आपका मिरर का अप डाउन करने के लिए दिया गया है, और बोतल होल्डर दिया गया है। और अंदर चलते हैं, अंदर में देखिए, यहाँ पे आपका इस साइड में मतलब ऑडियो कंट्रोल का सिस्टम है, इस साइड में आपका गाड़ी का ऑल कंट्रोल इसमें दिया गया है। जैसे वॉल्यूम कम बेसी करना है, और ये टाटा का लोगो, और ये आपका इस साइड में कंट्रोल दिया गया है, जो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और बटन का क्वालिटी अच्छा है, और ये आप देख सकते हो जैसे कि डिजिटल विथ एनालॉग, मतलब डिजिटल के साथ एनालॉग दिया गया, जो टाटा टियागो और नेक्सॉन में दे रहा था चेंज कर दिया गया है। और ये 7 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, फुल्ली टच स्क्रीन है, और ये ऑटोमेटिक AC आता है इसमें। और ये ऑटोमेटिक टॉप मॉडल कार है जो हम लोग शोरूम में देख पा रहे हैं। सॉरी फॉर फ्रेंड, मेरा वो मैक का आपका आ गया,
चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए एसी का जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया और डैशबोर्ड वाइट ब्लैक के साथ दिया गया है। सो इसका सीट देख सकते हो और मतलब हेडरेस्ट आएगा आगे और पीछे दोनों ही। सीट का क्वालिटी अच्छा है, जो टाटा टियागो में आता है वही क्वालिटी दिया गया है। और इसका मुझे एसी का पोजीशन बहुत ही अच्छा लगा और बॉडी कलर के साथ मैचिंग किया गया अंदर में, जो सब कलर में आपका इसे ही सेम होगा। और हेजार्ड लाइट मैंने जला के देखा, मतलब बीच में आपका साइन आ रहा था। और इसमें ट्रिप वन ट्रिप टू का सेटिंग है। और फिर अपने चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ये सीट का क्वालिटी। देख लो कुशन बहुत अच्छा है और ये एडजस्टेबल है सीट। और अपने आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख सकते हो, ये यहाँ से मैंने खोला और इसमें भी देख लो पावर विंडो के साथ वाइट कलर का टच दिया गया ब्लैक के साथ, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और अपने अंदर से भी आर्मरेस्ट है इसमें बैक साइड में। और इसमें टू ट्विटर्स के साथ आएगा, ये फोर स्पीकर फोर ट्विटर्स आएगा टॉप मॉडल में। और नीचे का मॉडल में फोर स्पीकर टू ट्विटर्स आएगा। और उसके नीचे का मॉडल में देख सकते हो इसका लुक आपका कितना सुंदर लग रहा है, डैशबोर्ड का लुक। और फोर स्पीकर और नीचे का टू ट्विटर्स आएगा, बेस मॉडल में नहीं देगा कुछ भी स्पीकर्स। और यहाँ मैंने आराम से बैठा, देखिए यहाँ पे हैंड रेस्ट के लिए भी दिया गया और यहाँ पे तीन आदमी आराम से बैठ जाएगा। सो ये आपका ब्लैक और वाइट में जो मैंने आपको दिखाया, लॉक का पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ग्लोजी लुक दिया गया है सिल्वर। और आगे चलते हैं अपने और आपको आगे बताते हैं और इसमें क्या क्या है दिया गया और इंजन का भी बारे में बताएंगे, जो इंजन का क्या क्या मतलब पावर दिया गया है। सो गेट बंद कर देते हैं और बैक बोनट खोल के देखते हैं, डिक्की खोल के देखते हैं। डिक्की का साइज़ 366 लीटर का साइज़ है, ये बहुत बड़ा साइज किया गया है टाटा जो अपनी तरफ से किया गया है। देखिए कितना नीचे है इसका मतलब जगह। और इसके अंदर एक लाइट दिया गया है जो आपको अभी दिखा देते हैं। तो लाइट इस साइड में आपका ये देखिए लाइट है, यहाँ पे रिप्लेस किया गया जो आपको रात के समय प्रॉब्लम ना हो लगेज निकालने और डालने में। और ये देखिए आपका इसका नीचे स्पेयर व्हील्स दिया गया है औजार के साथ, ठीक है। और ये आपका स्पेयर व्हील्स एक 185/60 15 इंच का स्पेयर व्हील्स इसमें आपका दिया जाएगा, जैसे कि अभी मुझे ये भैया दिखा रहे हैं। तो मैंने देखा और फिर आपको बताया, अपोलो का टायर है सेम कंपनी का और ये पंचर किट इसमें रखा हुआ है। ये भैया शोरूम के भैया थे, मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो अपने आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले ये एक्चुअली में क्या है ना, इसको नीचे कर दिया है इसलिए इसका बूट स्पेस बढ़ गया है, क्योंकि इसको उठाया है एसयूवी मोड में, क्योंकि लगभग ये टाटा टियागो का मतलब छोटा सा टियागो ना, टियागो का 242 इस पे हां थोड़ा नीचे है ना, ये थोड़ा उठाया गया तो इसके यहां जगह बन गया है। जैसे कि आपने सुना शोरूम का मैनेजर थे हो, तो अपने बंद करते हैं तो आगे चलते हैं, इंजन का खोलते हैं अपने और इंजन देखते हैं। इसका इंजन का इसलिए पेट्रोल में आता है और इतना 3 सिलेंडर है, मैक्सिमम टॉर्क इसका 313 3,500 RPM पे और मैक्सिमम पावर 84.48 BHP का है। और ये दिया गया है इंसोलिंग जो इंजन का साउंड को बाहर नहीं आने दे। और ये 37 लीटर का इसका फुल टैंक कैपेसिटी है और आपको बॉडी टाइप ऐसे भी है इसमें। और बूट स्पेस 366 लीटर बता दिया। और देख लीजिए इंजन का वही टाटा टियागो का इंजन, इसमें ट्यूनिंग करके पावर बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा और सीटिंग कैपेसिटी 5 पीपल बैठ पाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जैसे देख सकते हो इसका लुक DRL लाइट जलाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इसका लुक बहुत ही इन्हेंस और बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, जो अच्छे अच्छे मतलब मार्केट में जो SUV है उसको टक्कर देने के लिए रेडी है टाटा की ये कार पंच, टाटा पंच। सो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।